तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे किसी भी पिक्चर को 3D में कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी ये पिक्चर है, मुझे इसको जैसे आजकल कोरियन के टेम्पल चल रहे हैं, कोरियन के मंदिर में बैक पैनल में होता है, फ्रंट पैनल जो होता है सामने का उसमें पैनल में यूज़ होता है, जिसमें हम ये फोटो लगा देते हैं, इसमें 3D कर देते हैं, और ऊपर इंग्रेविंग में 2D में कोई भी मंत्र वगैरह या फूल फूल का डिज़ाइन बना के दिए वगैरह लगा देते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होता है सबका। तो मैं इसको बताने वाला था कि फोटो का 3D कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक साइज ले लेंगे अपना, किस साइज बनाना है। जैसे मुझे अभी ये बनाना है तुम्हारा 30 इंची बाय 45 इंची, इस साइज में बनाना है। और जो हम फोटो लेंगे उसका फोटो का रेजोल्यूशन कम से कम मिनिमम जो होना चाहिए तकरीबन जो मिनिमम होना चाहिए 1000 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 1000 पिक्सल से कम होगा फिर उसमें फोटो ब्लर आने लगेगी 3D होने के बाद। तो इसमें 1.5 इंची का बॉर्डर ले लेता हूँ, कंट्रोल कैसे तोड़ लिया। दोनों को मैं इसके अंदर रखूंगा साइज के अंदर, तो एक तो मुझे एक तो बॉर्डर का और एक बाहर वाले साइज का एक अलग कॉपी कर लूंगा और अंदर के बॉर्डर को ट्रीट मार दूंगा। तो इस फाइल को तो मुझे इसको तो मुझे बिट मैप करके लेके जाना है, और इसको लेके जाना है मुझे AI में। तो पहले मैं इसको बिट मैप में कर लेता हूँ कन्वर्ट कैसे करना है। तो बिट मैप में आएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है, इसके बाद यहाँ देखेंगे 72 रेजुलेशन है, ग्रे स्केल 8 बिट में होना चाहिए, ओके कर देंगे। ये हमारा बिट मैप हो गया, ग्रे स्केल हो गया। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा कंट्रोल ही, BMP TY TTY। इसको मैं मिलीमीटर में कर लूंगा, सब पहले मैं इंच में कर लेता हूँ, और इसको 72 रेजुलेशन में कर लूंगा, और इसका साइज में एक साइज रखूंगा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो हमारा साइज है 30 पॉइंट, मैंने 30 रखा, 30.014 क्यों आ गया, क्योंकि जो है हम जो ग्रे स्केल करने के बाद थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिलीमीटर में कर लूंगा मैं, ये ग्रे स्केल में कर लूंगा यहाँ से, ओके कर दूंगा, इतना हो गया। और इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा AI के अंदर, जैसे 7 mm है तो मैं इसको 12 mm का मटेरियल है तो 7 mm इसको मैं टेप करूंगा ओपन। यहाँ पे इंच में करके मैं इसका साइज रख दूंगा 30 इंच बाय 0.14 इंच डालूंगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको mm में कन्वर्ट कर दूंगा, और काम mm में होता है इसमें, आपको तो पता ही है। जो हमारी फोटो है एक्चुअली जब उसमें लाइट वगैरह चलेगी तो वो ऐसे शो होगी, वो सेम ऐसे शो होगी, मतलब जो बॉम वाइट लाइट चलने के बाद वाइट लाइट चलेंगे तो वाइट दिखेगा। तो हम 3D में देखते हैं कैसा होता है। 3D में यहाँ पर आने के बाद ये देखेंगे सबसे पहले कि उसका फेस जो है, कोई भी पिक्चर बनाएंगे उसका फेस ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ये 3D उसको बता रहा हूँ मैं कोरियन मटेरियल का, तो उसको हम एक बार टेप कर देंगे इसका। अब फेस जो है
डाउन हो गया, बाकी का सब ब्रा हुआ है। इसको हम एक दो बार इसको स्मूथ कर देंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे उठान कितना आ रहा है, तो मैं इसको पूरा साथ में कर दूंगा। आगे क्या करना है मुझे, इसका जो AI में बॉर्डर बनाया था वो ले लूंगा। इसको वन ग्रुप कर लूंगा एक बार, बाहर वाले को अनसेलेक्ट करके अंदर वाले को पकड़ के 3D में आ जाऊंगा। और टूल पाथ में 3D टूल पाथ, उसके बाद स्लाइड पट्टा कर लूंगा, क्योंकि मैंने जो उसका एक बॉर्डर लिया था बॉर्डर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब 3D टूल में आ जाऊंगा, जिसे मैं 4mm के टूल से बनाऊंगा बॉल नोज। एक बारी में 7mm करना है मुझे, और मैं देखूंगा स्टेप ओवर कितना है, और स्टेप ओवर जितना कम लूंगा उतनी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। जितना ज़्यादा लूंगा उतना ज़्यादा, मतलब जो उस पर बिट की लाइनिंग आ जाता है। ये हमारी फाइल बनती जा रही है, इस तरीके से फाइल बन जाएगी। और ये होने के बाद मैं इसको टूल पाथ में सेव करके अपना यूज़ कर लूँगा पेन ड्राइव में डाल के। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।